दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम शब्द लेते हैं और उनके पर्यायवाची और समानार्थक शब्दों को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, लेते हैं शब्दों को और जानते हैं उनके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। इसी क्रम में हम लेंगे आज जंगल। हमने एक शब्द लिया जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह हमें बताना है। तो जंगल शब्द के पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों की अगर हम बात करें तो क्या क्या कह सकते हैं। जंगल को हम सबसे पहले जो प्रचलित भाषा है वन वन कहते हैं, तो यह इसका जंगल का पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थक शब्द हो गया। इसी प्रकार जंगल को हम कानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानन। जंगल को कानन जो कि एक पर्यायवाची या बोल सकते हैं समानार्थक शब्द हुआ। इसी प्रकार देखें इसके और पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को हम देखें, इसे हम विपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपिन। विपिन। तो जंगल का समानार्थक शब्द वन, कानन, विपिन हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े, एक और शब्द लेते हैं, औरत। औरत का अगर हम समानार्थक और पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो हम औरत को स्त्री, स्त्री शब्द जो है इसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हुआ। महिला, महिला शब्द जो है यह भी पर्यायवाची और समानार्थक शब्द हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो महिला को या औरत को नारी भी जो शब्द है यह इसका समानार्थक और पर्यायवाची शब्द हुआ। इसी क्रम में आगे हम और शब्दों को ले तो लेते हैं, चलिए शत्रु। शत्रु के अगर पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों की बात करें तो इसे हम रिपु भी कहते हैं। हिंदी के जो ये समानार्थक का पर्यायवाची शब्द है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आपको आता है तो अभ्यास हो जाएगा, अच्छे से आपका दोबारा इसका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तो नए शब्दों के पर्यायवाची और समानार्थक शब्द आप सीख पाएंगे। तो चलिए शत्रु को हम क्या कहते हैं? रिपु। इसके अलावा हम इसे अरि भी, अरि जो है इसका समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द हुआ। इसके अलावा देखिए तो दुश्मन, शत्रु को दुश्मन भी कहा जाता है, इसलिए दुश्मन पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द हुआ। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो अगला शब्द लेते हैं बादल। बादल, सबसे पहले देखें बादल को हम मेघ भी बोलते हैं, आम प्रचलित भाषा है उसमें हम इसे मेघ भी बोलते हैं। इसके अलावा देखें इसे हम नीरद भी बोलते हैं। क्या? नीरद। नीरद इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हुआ। इसी प्रकार घन, बादल को का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द घन भी होगा। तो इस प्रकार हमने बादल का समानार्थक शब्द देखा, मेघ, नीरद और घन। ये आपका घन, ये क्या हो गया? इसका समानार्थक और पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो अगला शब्द हम लेते हैं माँ। चलिए माँ शब्द लेते हैं। अगर माँ के पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों की बात करें तो सबसे पहले तो माता आ जाएगी। माता समानार्थक शब्द हुआ माँ की। जननी, इसी क्रम में आगे बढ़े तो अम्बा, अम्बा यह क्या हुआ? समानार्थक शब्द हुआ। अम्बा समानार्थक शब्द हुआ और जिसे हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो माँ का समानार्थक पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? माँ का माता, जननी, अम्बा, ये सब क्या हुआ? समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हुए। आइए और भी शब्द लेते हैं, उनके भी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। इसी क्रम में हम अगला शब्द लें तो लेते हैं नदी। अगर हम नदी शब्द को देखें तो इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? सरिता कह सकते हैं। नदी को सरिता भी कहा जाता है, तो यह इसका समानार्थक शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ। इसके अलावा नदी को हम तटनी भी कहते हैं। तटनी, ये सब क्या हुए? नदी के समानार्थक शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। इसके अलावा हम इसे तरंगिनी भी कहते हैं।
तरंगिणी, ये सब क्या हो गए, इसके पर्यायवाची शब्द हो गए, इसके क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। तरंगिणी, तो नदी के सरिता, तटिनी, तरंगिणी, ये सब क्या हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके अलावा अन्य शब्दों की बात करें तो चलिए एक और शब्द लेते हैं, लिखते हैं नौकर। अगर नौकर के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो नौकर को हम क्या क्या कह सकते हैं, नौकर को हम सेवक कह सकते हैं। तो सेवक क्या हुआ, इसका समानार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा ये नौकर को दास भी कहा जाता है, तो यह इसका समानार्थक शब्द हो गया। अनुचर भी कहा जाता है, इसे भी लिख लें, अनुचर भी कहा जाता है। ये सारे शब्द जो मैं ले रहा हूँ और जिसके आपको समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप इसे नोट कर लें, अपने कॉपी पे लिख लें, ताकि आपका अभ्यास बना रहे और आपको एग्जाम में जब भी आपको ये सब शब्द नजर आए आसानी से आपको याद आ जाए। तो चलिए और भी शब्दों को लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। अगला शब्द अगर हम ले तो लेते हैं राक्षस। अगर हम राक्षस की बात करें तो राक्षस को असुर भी कहा जाता है, तो असुर क्या हुआ, असुर इसका समानार्थक शब्द हो गया, असुर का, असुर राक्षस का समानार्थक शब्द हो गया, एक दूसरे का समानार्थक शब्द हो गया, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसी प्रकार देखिए तो राक्षस को दैत्य भी कहा जाता है, राक्षस को दैत्य भी कहा जाता है, तो दैत्य इसका, इन शब्दों का समानार्थक शब्द हो गया। इसके अलावा दैत्य राक्षस को दानव, राक्षस शब्द के लिए दानव भी प्रयोग किया जाता है, तो यह इसका समानार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा देखें तो लेते हैं गंगा, देखते हैं गंगा को, गंगा का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, तो आइए इसे भी जानते हैं, सीखते हैं। गंगा को देव नदी, देव गंगा के लिए देव नदी का ही प्रयोग होता है, तो गंगा का समानार्थक शब्द देव नदी हो गया। इसके अलावा सुरसरी भी कहा जाता है, सुरसरी भी कहा जाता है गंगा को, इसलिए सुरसरी, देव नदी, गंगा, ये सब समानार्थक शब्द हुए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हुए। इसके अलावा भागीरथी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भागीरथी, भागीरथी भी कहा जाता है, तो गंगा, देवनदी, सुरसरी, भागीरथी, ये सब क्या हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को अगर हम देखें तो लेते हैं पुत्र। अगर हम पुत्र की बात करें तो पुत्र को क्या कहा जाता है, पुत्र को बेटा, तनय, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, बेटा को सुत, ये सारे शब्द क्या हुए, पुत्र के बेटा, तनय, सुत, ये सब एक दूसरे के समानार्थक शब्द हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो पुत्र के लिए बेटा, तनय, सुत, ये सारे सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने पुत्र के पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द को भी पढ़ा और जाना। तो चलिए कुछ और शब्द लेते हैं और उनका अर्थ समझते हैं, उनके समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होंगे। अगर अन्य शब्दों को ले तो लेते हैं, चलिए पुत्र ले लिया था तो पुत्री भी लेते हैं और इसके समानार्थक शब्द को, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। तो देखिए पुत्र को हमने सुत, बेटा और तनय, ये सारे शब्द समानार्थक में पढ़ा था। अगर हम पुत्री की बात करें तो इसे हम सुता, पुत्र को सुत तो पुत्री को सुता, बेटी बोलते ही हैं तो बेटी एक शब्द हो गया समानार्थक, और तनय बोलते थे पुत्र को तो तनया पुत्री के लिए प्रयोग होगा। तो ये सारे शब्द पुत्री के, सुता, बेटी, तनय, ये सब एक दूसरे का समानार्थक शब्द हो गया, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो चलिए अगला शब्द लेते हैं जल। जल को हम क्या क्या कह सकते हैं, जल को, जल के लिए नीर शब्द प्रयोग होता है, तो नीर पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थक शब्द हो गया। जल को वारी भी कहा जाता है, तो जल को वारी भी कहा जाता है, तो वाणी एक समानार्थक शब्द हो गया। इसके अलावा अंबु, अंबु,
अंबु शब्द भी प्रयोग होता है जल के लिए। तो जल का नीर, वरी, अंबु, जल, ये सब क्या हो गया, एक दूसरे का समानार्थक शब्द हो गया, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसे आप कॉपी में नोट कीजिए ताकि आपको आगे भी इसका अभ्यास करने में आसानी हो। यह बहुत ही सरल है, एक से दो बार इस अगर वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से सारे शब्दों के समानार्थक पर्यायवाची शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बने बेल नोटिफिकेशन है उसको अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए अगले शब्दों को लेते हैं और जानते हैं और भी पर्यायवाची शब्दों को। एक शब्द हमने लिया कर। कर अगर इसके पर्यायवाची समानार्थक शब्दों की बात करें तो देखिए हाथ शब्द करी के लिए आता है, कर मतलब हाथी होता है। हाथ को क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, तो हस्त शब्द भी क्या हुआ, समानार्थक शब्द हो गया, हथेली, 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 हस्त, हाथ, कर, एक दूसरे के क्या हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार हम देखें एक और शब्द लेते हैं, दिन। तो दिन के लिए जो शब्द आएंगे वह आता है आपका दिवस। क्या आता है, दिवस आता है। अगर और पर्यायवाची शब्द इसके देखिए तो वाशर आता है प्रयोग। अलग अलग क्षेत्रों में आप ये सारे शब्द जानते और सुनते होंगे। वार भी कहा जाता है दिन को, जैसे मंगलवार, तो जो वार क्या है, तो दिन है, तो दिन का समानार्थक शब्द क्या हुआ, दिन का दिवस, वाशर, वार, दिन का, सब एक दूसरे क्या है, समानार्थक शब्द हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लिया और उनके पर्यायवाची शब्दों को हमने पढ़ा और समझा। ये सारे शब्द एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसे अच्छे से अभ्यास कर ले, एक से दो बार इस वीडियो को देखें, आपको आसानी से ये सारे शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द याद हो जाएंगे। तो ऐसी वीडियो को हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे क्रमवाइज तरीके से। इसके बाद हम विलोम शब्दों को पढ़ना आरंभ करेंगे, उसके बाद संधि विच्छेद, इसके अलावा हम अन्य व्याकरण को भी आरंभ करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।